आपने कभी न कभी गौर जरूर किया होगा कि अस्पताल में पर्दों का रंग हरा होता है और साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों के कपड़े और मास्क भी हरे रंग के ही होते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जब भी आप किसी एक रंग को लगातार देखते होंगे तो आपकी आंखों में अजीब सी थकान महसूस होने लगती होगी। आपने कभी इस बात पर गौर तो अवश्य किया होगा कि कुछ जब इसी तरह से हम सूरज या फिर दूसरी किसी चमकदार चीज को देखते हैं तो हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इसके तुरंत बाद में यदि हम हरे रंग को देखते हैं तो हमारी आंखें सुकून महसूस करती हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी आंखों का जैविक निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है कि यह नेचुरली लाल, हरा और नीला रंग देखने में सक्षम है। इन रंगों के मिश्रण से बने अन्य करोड़ों रंगों को इंसानी आंखें पहचान सकती हैं, परंतु इन सब रंगों की तुलना में हमारी आंखें हरा रंग ही अच्छी तरह से देख सकती हैं। फिजिक्स में यदि हम रंगों पर ध्यान दें तो इससे यह जानकारी मिलती है कि संसार में पाए जाने वाला प्रत्येक रंग अपने ही एक तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ का होता है, जिसके दोनों आखिरी छोर पर नीला और लाल रंग आते हैं। हरे रंग के वेवलेंथ का स्थान विबजियोर के लगभग बीच में ही आता है। यही एक वजह है कि हमारी आंखों का यह रंग इतना नहीं चुभता है जितना कि लाल और पीला रंग हमारी आंखों को चुभते हैं। इसी कारण हरे रंग को आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। इसी वजह से अस्पताल में पर्दे और कर्मचारियों के कपड़े और उनके मास्क हरे रंग के ही होते हैं, ताकि अस्पताल में आने जाने वाले या रहने वाले मरीजों की आंखों को आराम मिल सके। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अस्पताल में पर्दों का रंग हरा क्यों होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।